1838 में साइंटिस्ट मैथियास जैकोब स्लेडन ने, जो कि जर्मन बोटानिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्लांट पर रिसर्च करी। तो जब रिसर्च करी तो उन्हें पता लगा कि जो प्लांट बना हुआ है वो किसकी कंपोजिट से बना हुआ है, सेल की, कि उसके अंदर सेल है, उसमें प्लांट टिश्यूज बनते हैं, फिर उसके ऑर्गन वगैरह ये सब चीज बनती है। उसी समय 1838 में ही एक साइंटिस्ट और वर्क कर रहे थे सेल के लिए, जिनका नाम था थियोडोर सेवान। जर्मन जूलॉजिस्ट थे और ये पता लगा रहे थे, ये किस पर रिसर्च कर रहे थे, एनिमल्स की बॉडी पर। तो इन्हें भी क्या पता चला कि एनिमल्स भी किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। सबसे छोटा पार्ट क्या है उनका, सेल। सो इनकी दोनों की रिसर्च, मैथियास जैकोब स्लेडन एंड थियोडोर सेवान, इन दोनों की रिसर्च कंप्लीट कब हुई, 1839 में इनकी दोनों की रिसर्च कंप्लीट हुई। जो थियोडोर सेवान थे, जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया कि सेल जो है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंट पाया गया है। इनकी स्टडी जो ये पढ़ रहे थे प्लांट के लिए, उसी स्टडी में से इन्होंने खोजा कि जो प्लांट है उसकी सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल, और जो एनिमल्स की सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में भी कि किसने सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड करी, स्टार्ट करी, बनाई, तो किसने करी, स्लेडन एंड सेवान फॉर्मुलेटेड करी सेल थ्योरी।